हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिबेंचर्स अगर हम इंट्रेस्ट करते हैं तो उसकी जनरल इंट्रेस्ट क्या होनी चाहिए वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिबेंचर्स की जनरल इंट्रेस्ट जो है उसके प्रैक्टिकल सम्स यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे आज हम सम नंबर 4 जो है वो करने वाले हैं। तो सम नंबर 4 में हमें दिया हुआ है सचिन मार्केट लिमिटेड इशू 1,20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच फॉर अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे 10% के डिबेंचर्स हुए। द अमाउंट वेर कॉल्ड अप पर डिबेंचर वॉज इज अंडर विद एप्लीकेशन 30 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 45, ऑन कॉल 25। एप्लीकेशन वेयर रिसीव बाय कंपनी 15,000, आफ्टर अलॉटमेंट 12,000 डिबेंचर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिफंडेड ऑफ मनी टू द एप्लीकेंट्स। ऑल अमाउंट्स ड्यू टू अलॉटमेंट कॉल वेयर ड्यूली रिसीव जनरल एंड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे हमें सारी अमाउंट्स जो है वो मिल गई हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जो इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो हम यहाँ पे करते हैं कि जैसा कि हम हमेशा शेयर कैपिटल वाले सम्स में कैसे हम कैलकुलेशन करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी आई है 15,000 और एप्लीकेशन के साथ मनी हमें मिली है 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4,50,000 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिले। अब हमने यहाँ पे 12,000 शेयर्स जो हैं वो हमें एक्सेप्ट करने हैं, बाकी के कितने रिजेक्ट करेंगे यहाँ पे जो सॉरी डिबेंचर्स के हमें कितने एक्सेप्ट करने हैं यहाँ पे 12,000 × 30, दैट मीन्स 3,60,000 के डिबेंचर्स ही हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करने, बाकी के 3,000 जो हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3,000 × 30, दैट मीन्स 90,000 के डिबेंचर्स हम रिफंड कर देंगे। ये हुए इतना। अब हम अलॉटमेंट के टाइम पे आप देख सकते हो अलॉटमेंट के टाइम पे हम 45 रुपीज़ मंगवा रहे, दैट मीन्स कि 12,000 × 45 मतलब कि 5 जो हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम पे आएंगे 5,40,000 रुपीज़ जो सारे हमें मिल चुके हैं। उसके बाद फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल के पे हम मंगवा रहे 25 रुपीज़, दैट मीन्स कि 12,000 × 25 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिलेंगे 3,00,000 रुपीज़ जो है वो हमें फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिलने वाले। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन कर ली। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। सो जैसा हम शेयर एप्लीकेशन में करते थे इसी तरह से फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होगी डिबेंचर एप्लीकेशन की, दैट मीन्स कि बैंक अकाउंट डेबिट हमें डिबेंचर के टाइम पे एप्लीकेशन में कितनी मिली है 4,50,000 × 10%। यहाँ पे हमें परसेंटेज दिए गए 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 4,50,000 क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ इंटरेस्ट रेट इस 10%। अब इसमें से हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000 टू, सबसे पहले जो हम एक्स्ट्रा जो रिफंड करने वाले हैं बैंक अकाउंट 90,000 एंड बाकी के जो है वो हम 10% डिबेंचर अकाउंट में हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3,60,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। अब हम अलॉटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 5,40,000। अब यही डिबेंचर की मनी हमें मिल रही है, दैट मीन्स के बैंक अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 5,40,000। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल की मनी मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 3,00,000। उसके बाद यही डिबेंचर की मनी जो है वो हमें मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि बैंक अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट क्रेडिट 3,00,000।
यहाँ पे मैंने सम में नरेशन नहीं लिखा है, बट आपको नरेशन लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने इस तरह से सम किया, बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। या आई होप आप सबको ये सम समझ में आ गया होगा। नंबर फोर बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। उसके बाद यहाँ पे हमें सम नंबर फाइव दिया हुआ है, गार्वी कॉटन लिमिटेड इशू 6,000 शेयर्स एट 10% डिबेंचर्स ऑफ 500 एट अ प्रीमियम ऑफ 40% ऑन विच द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज एज पेबल एज अंडर विथ एप्लीकेशन 2,000 ऑन अलॉटमेंट 300 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड ऑन फाइनल कॉल रुपीज 200। लास्ट हमने अभी जो सम किया वो सिंपल सम था। अब ये वाला सम में हम प्रीमियम से अमाउंट मंगवा रहे हैं तो वो है। अब एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड फॉर द टोटल 9,000 डिबेंचर्स फ्रॉम दिस एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड एंड रिफंड ऑफ द मनी रिसीव देयर ऑन ऑल द अमाउंट ड्यूज एंड कॉल्स वेर ड्यूली रिसीव्ड पास जनरल एंट्री ऑफ द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे सारी अमाउंट हमें मिल चुकी है और एक्सेस एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करें तो उसके ऊपर से यहाँ पे हमें ये जो सम है उसकी जो जनरल एंट्री से वो करनी है, तो हम वो करते हैं। हम यहाँ पे अब शेयर्स की प्राइस हमें दी गई है 500 और कंपनी इशू कितने में कर रही है 40% प्रीमियम में। दैट मीन्स कि 200 रुपीज़ जो है वो कंपनी प्रीमियम के रूप में इशू कर रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कितना मनी मिल रहा है। एप्लीकेशन हमारे पास आई है 9,000 शेयर्स की और शेयर की प्राइस हमें दी गई है 200। दैट मीन्स एप्लीकेशन के टाइम पर हमें मिल रहे हैं 18 लाख। बट हमें यहाँ पर डिबेंचर्स खाली कितने एक्सेप्ट करने हैं, 6,000 डिबेंचर्स हमें एक्सेप्ट करने। दैट मीन्स कि 12 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हमें एक्सेप्ट करने और बाकी के 3,000 शेयर्स डिबेंचर्स जो है वो हम यहाँ पे रिफंड करेंगे। दैट मीन्स कि 3,000 × 200 6 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफंड कर देंगे। इतना ही था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये। अब हम अलॉटमेंट के टाइम पे देखते हैं कितनी मनी आ रही है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे हमें दिया हुआ है कितने रुपीज़ मंगवा रहे, 300, बट उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। दैट मीन्स कि शेयर प्रीमियम 200 और 100 रुपीज़ जो है वो हमारी शेयर की प्राइस हुई, तो सॉरी डिबेंचर की प्राइस हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अलॉटमेंट 6,000 × 100 रुपीज़ जो है वो उसकी प्राइस, दैट मीन्स 6 लाख रुपीज़ जो है वो डिबेंचर के अकाउंट में जाएंगे और बाकी के सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट मीन्स 6,000 × 200 मतलब कि यहाँ पे जो 12 लाख रुपीज़ जो है वो कहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो यहाँ पे 18 लाख रुपीज़ जो है वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिल रहे हैं। अब हम कॉल्स के टाइम पे देखते हैं तो डिबेंचर्स हमें दिए गए 6,000 और हम मनी मंगवा रहे 200 के हिसाब से। दैट मीन्स कि 12 लाख रुपीज़ जो है वो हमें डिबेंचर कॉल्स के टाइम पे मिलेंगे। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री तो जो हमने लास्ट अभी की उसी तरीके से होगी। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की मनी हमारे पास आ रही है, दैट मीन्स कि बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख 2। अब यहाँ पे 10% डिबेंचर से, तो डेट मीन्स 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 18 लाख। उसके बाद ये एप्लीकेशन में से एक्सेस हम रिफंड करेंगे और बाकी के जो है वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18 लाख 2 बैंक अकाउंट जो हम रिफंड करने वाले हैं वो 6 लाख रुपीज़ जो है वो हम बैंक को जो रिफंड कर रहे हैं, बाकी के जो है वो हम डिबेंचर अकाउंट में, दैट मीन्स के 2 डिबेंचर अकाउंट रुपीज़ 18 लाख। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम कॉल्स मंगवाते हैं तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट की मनी हम मंगवा रहे हैं, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख, क्योंकि वो प्रीमियम के साथ हम मंगवाने वाले हैं। तो उसमें से 10% डिबेंचर्स जो है, मतलब कि जो हमारे डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे। दैट मीन्स 6 लाख रुपीज़ जो है वो डिबेंचर अकाउंट में और बाकी की जो अमाउंट है वो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रुपीज़ 12 लाख। उसके बाद यही प्रीमियम की ये जो डिबेंचर की सारी मनी हमें मिल रही है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख 2 10% डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट ₹18 लाख। अब यहाँ पे ये अलॉटमेंट मिल के अब हम कॉल्स मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितनी मनी मंगवा रहे थे हम? 12 लाख रुपीस। टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट ₹12 लाख। अब हमें ये जो डिबेंचर की जो कॉल्स मनी है वो हमें पूरी मिल रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹12 लाख टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट ₹12 लाख। अब ये हमने सारी एंट्रीज यहाँ पे कर दी। एट लास्ट हम यहाँ पे ये जो जनरल एंट्री हमने की है उसका हम टोटल कर देते हैं, तो टोटल हमारा यहाँ पे अगर हम करने जाएंगे तो आएगा 96 लाख। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये जो पूरा सम है वो सॉल्व किया। आई होप आपको आज हमने ये जो सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5 किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये दोनों सम्स एज अ होम असाइनमेंट आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।